वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। घर वापस आ गया हूं, लेकिन इस यातना ने मुझ पर मनोवैज्ञानिक और आत्मीय रूप से स्थायी निशान छोड़े हैं। मैं कभी भी अब कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे सारे व्यवसाय बंद कर देने के बाद, मेरी सभी संपत्तियां को जब्त करने के बाद यह प्रयास भारतीय एजेंसी द्वारा मुझ पर किया जाएगा। मैंने हमेशा एजेंसियों के मुझसे पूछताछ करने के लिए वो यहाँ आने के लिए कहा था, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैं अब यात्रा नहीं कर पा रहा था। कोई भी डॉक्टर की सलाह थी कि मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा फ्लाई करना मेरे लिए बहुत डेंजरस है। मैं एजेंसियों के सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध था, लेकिन इस अमानवीय अपहरण की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। डोमिनिकन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मुझे अब एंटीगा में रहना होगा और वहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ, जबकि पहले अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लौटने पर गंभीरता से मैं विचार कर रहा था और कभी भी मैं स्वास्थ्य मेरी सुधरने पर मैं आने का सोच रहा था। मेरा स्वास्थ्य की स्थिति अभी बहुत ख़राब हो गई है। मेरे अपहरण के पीछे 50 दिनों मेरे जीवन के सबसे खराब दिन रहे हैं और काले दिन रहे हैं। यह दिन काफ़ी अमानवीय थे। वे और मेरे भारत में अपनी सुरक्षा के लेकर अभी मैं गंभीर और मेरा फैमिली भी बहुत गंभीर चिंता और आशंकित है।